माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड फैक्ट। अच्छा गाइस, हम आज की वीडियो लेकर आए ऑटोकैड पर। आज है डे 5 और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड्स के बारे में, हैचिंग के बारे में। ठीक है, हैचिंग क्या होती है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोई हमारा प्लान है, ठीक है। प्लान के बाद मैंने प्लान के थ्रू एलिवेशन हम तैयार करते हैं। एलिवेशन मैंने इसका बना लिया है और इसके बाद सेक्शन भी मैंने इसको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है प्लान और एलिवेशन, ये है आपका डे आफ्टर 15, ठीक है। ये आपकी शुरू होगी सारी क्लासेस 15 के बाद, ठीक है। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कमांड्स का यूज़ करके ही आप ये एलिवेशन तैयार करते हैं और डिज़ाइन और कोई भी प्लानिंग, ठीक है। अगर आपको कमांड्स नहीं आती तो कैसे आप डायरेक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको पहले कमांड्स सिखा रहा हूँ और ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आज मैं बताऊँगा आपको हैचिंग। हैचिंग क्या होती है सबसे पहले, ये मेरा आपको एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पर मुझे कलरिंग करनी है, मटेरियल शो करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा किस मटेरियल से बना है, तो उसके यूज़ से विद द हेल्प ऑफ हैचिंग हम ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखते ही वीडियो को लाइक कर देना है, बाद में आप वीडियो वॉच कीजिए और एंड तक देखिए, फिर आप कहते हैं समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बोलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड में एच एंटर कर देना है, ठीक है। एच एंटर करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुलकर आएगी हैचिंग की, ठीक है। ये हमारा होता है पैट, हमारे तीन तरह के हमारे होते हैं, सॉलिड। सॉलिड से क्या होता है, हाची हमारी सॉलिड हो जाती है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, दो कलर का कॉम्बिनेशन, ये हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। अब यहाँ से कलरिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट की। और तीसरा हमारा होता है पैटर्न। पैटर्न कोई भी हम कलरिंग करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी टेक्सचर दूँगा, मान लें कि हमें यहाँ पर पैटर्न देना है और मैं इसको ताकि विजिबल कलर लगा दूँ और इसको मैं पैटर्न शो करूँगा। मैं थोड़ा पैटर्न के हमारे वृत्त बढ़ा लेते हैं तो ये तो शो हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा पैटर्न शो होने लगा, ठीक। और ये हमारा होता है पैटर्न टूल्स। आप यहाँ पर जाकर कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं, ब्रिक का पैटर्न लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, तो मैं आज यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पैटर्न लगाना सिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस वाली बॉल में, जब मान लिया कि मैं पैटर्न लगाना चाहता हूँ तो मैं पैटर्न पर आऊँगा और ये हमारे लिस्ट हमारे सामने स्टार्टिंग से देखिए, आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए जो सा पैटर्न आप चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको देखो कंक्रीट भी मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रिक्स का भी पैटर्न मिल जाएगा, बहुत सारे पैटर्न्स आप देख लीजिए खुद यहाँ पर, ठीक है। हनी कॉम, राउंड, ट्रेवल्स, मर्ड्स एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स आर देयर। सो मैं ले लेता हूँ ब्रिक का टेक्सचर, मैं ब्रिक ले लूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूँगा, आपको ब्रिक यहाँ सेलेक्ट करनी है और सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ब्रिक्स का साइज़ देखिए बहुत ही छोटा दिख रहा है, आप यहाँ पर जाकर इसको बड़ा कर लीजिए ब्रिक्स, ताकि हमारी अच्छी से शो हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर आप अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं इस पर योर विश। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये कलरिंग। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैं ये बॉल में भी कर दूँगा, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, फिल हो जाएगा, ठीक। और अब देखिए ये हमारा बॉल में हो गया फिल, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, हमें दूसरी, मान लिया कि यहाँ पर मुझे दूसरा कलर हैचिंग लेनी है, यहाँ पर दूसरी हैचिंग लेनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे पहले हैचिंग को एक्टिवेट करके क्लोज़ करनी होगी, क्लोज़ हो जाएगी, ये हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। नई कमांड हम फिर दोबारा से एच एंटर करेंगे। एच एंटर करने के बाद, ठीक है, हमारी एक बार फिर विंडो खुल चुकी है। देखिए ये हमारा स्लैब है, स्लैब हमारा होता है कॉन्क्रीट का, तो हम कॉन्क्रीट इसमें मेंशन करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्क्रीट का टेक्सचर ले लेंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आप सामने खुल जाएगी। आप यहाँ पर देखिए कॉन्क्रीट, ये हमारा एआर कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट सम ले लेते हैं और मैं कॉन्क्रीट स्लैब हमारा कॉन्क्रीट से बना हुआ होता है, तो मैं कॉन्क्रीट मेंशन कर देता हूँ इसमें कि कॉन्क्रीट हमारा ये फिल हुई भी है, ताकि हमारा विजिबल हो सके, ठीक है। अब देखिए आपको कॉन्क्रीट नहीं दिख रही ना, तो आपको क्या करना होगा, एक कॉन्क्रीट के पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल, तो आपको यहाँ पे कम करना होगा इसका साइज ऑफ पैटर्न्स, हम कम कर देंगे तो आपको कॉन्क्रीट विजिबल हो जाएंगे। और आप यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लीजिए ताकि आपको विजिबल हो जाए, क्योंकि रेड का कॉम्बिनेशन में वो दिख नहीं रहा था। मैं आपको यहाँ पर और कर लूँगा छोटे और हमारी कॉन्क्रीट्स दिखा देता हूँ अभी आपको, विजिबल हो जाएगी सिस्टम नट, ये हमारी कॉन्क्रीट्स विजिबल हो गई है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको कर लूँगा ब्लू और उसको कर लूँगा वाइट, ठीक है, हमारे कॉन्क्रीट आ चुकी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, देखिए हमारा ये जो हमारा ये क्या है,
प्लिंथ एरिया है, जो हमारा प्लिंथ का होता है, हमारी स्लैब है फ्लोरिंग की, इसमें भी क्या होती है, कंक्रीट्स होती है, तो मैं उसको कंक्रीट्स को मेंशन करने के लिए ये वाली एचिंग लगा दूंगा इसमें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये हमारी कंक्रीट्स फ्लप हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसमें एचिंग कर लेते हैं। और तो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा विंडो में कैसे हम कोई टेक्सचर दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एच एंटर अगेन करना है, एच एंटर कर दीजिए, मैंने कर दिया है, हमारा आ गया, हमारा एक बार फिर खुल गया, ठीक है। आपको कोई एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेना है अपनी मर्जी से कोई भी, ठीक है। तो मैं मान लिया ये पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और इस जहाँ पर आपको प्लेस करनी है वहाँ पर क्लिक कर देना है, इस पर करनी है मुझे, इस पर करनी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं चेंज कर लूँगा इसका कलर, चेंज कर लेते हैं, चलिए हम इसको दे देते हैं कोई और कलर, इसको हम दे देते हैं टू जेड, कोई भी कलर दे दीजिए, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए, ये मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है हमारी इसमें। और मैं इसको थोड़ा डिजाइन इसका घटा बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। हमने विंडोज़ भी लगा दी हैं, अब हमें क्या करना है, इसका स्लैब है, इसमें स्लैब में भी हम, चलिए स्लैब हम में भी मैं यही कलर कर देता हूँ, ठीक है। आप एज अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डोर में कलरिंग करनी है। डोर में कलरिंग करने के लिए मैं अगेन आपको यहाँ पर क्लोज़ करनी पड़ेगी हैचिंग, आपको एच अगेन एंटर करना पड़ेगा, एच एंटर कर देना पड़ेगा हमें। अब डोर में मुझे सिंपल में डोर चाहता हूँ, तो मैं सॉलिड पर गया जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर लूँगा, और इस पर मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, और इस पोर्शन को मैं कर देता हूँ, हमारा रेड कलर लग चुका है और हमारा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। देखिए अब ये पोर्शन रह गया, इस पर मैं कोई और कलर दे देता हूँ हैचिंग करनी के, मैं दे देता हूँ इस पर कोई भी अपना वॉलेट कलर दे देता हूँ इस पर, ये एंड देन ये एंड देन ये, देखिए इस तरह से हम हैचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं जाऊंगा पैरापिट पर चलते हैं, इसको जल्दी से कलर कर देते हैं, एच क्लोज करके आप दूसरी हैचिंग अगेन खोलिए, एच एंटर कर दीजिए। अब मैं इसमें मैं ग्रेडियंट लगा देता हूँ, हर कमांड का यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बताना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से लगाना है। मैं आपको सारी कमांड यूज़ करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं ग्रेडियंट चूज़ कर रहा हूँ, मान लिया ग्रेडियंट ले लेता हूँ मैं, उस पर कर देता हूँ क्लिक, आपको सिंपली इस ब्लैंक स्पेस पर कर देना है क्लिक और हमारी हैचिंग लग जाएगी इस पर भी, ठीक है। देखिए इस तरह से हमारी हैचिंग लग चुकी है, इसको मैं कंट्रोल जेड कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारी हैचिंग लग चुकी है इसमें भी, अब मैं इसको फ्लप कर देता हूँ, मान लिया कि मैं इसको बस मैं ऐसे ही खुला रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, ये जो हमारा लेवल है, ये कौन सा लेवल है, प्लिंथ लेवल है, ठीक है। इसमें मैं इसमें जो हमारा फ्लोर लेवल से नीचे जो हमारा होता है एरिया, तो उसमें क्या होती है हमारी मड वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह है, चेंटर उस समय मेंशन करना है किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोई भी एक सैंड देता हूँ, सैंड फिलअप हो रही है हमारी, तो मैं आपको कर देता हूँ सैंड से डिनोट, ठीक है, हमारी सैंड हो गई, ठीक। अब क्या करना है मुझे, क्लोज कर देना है अगेन, ये हमारे किस चीज़ के होते हैं, कंक्रीट के, आरसीसी के, इसमें मैं आरसीसी कंक्रीट यही वाली जो मैंने दी थी यही मैं आप दे दूँगा या दूसरी लगा कर दे दूँगा, मैं आपको दे देता हूँ, इसमें भी दे देता हूँ मैं कंक्रीट, सिलेक्ट कर लिया, इसमें पेस्ट कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कंक्रीट, इसमें कंक्रीट, इसमें कंक्रीट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जो मैंने कंक्रीट को डोनेट करने के लिए लिया है, ठीक है। ये हमारा होती है हैचिंग, इस तरह से हम हैचिंग कर रहे होते हैं। चलिए इसमें भी थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ ताकि ये भी अच्छा लगे, एच एंटर कर देता हूँ मैं, इसमें मैं कोई एक डिज़ाइन दे देता हूँ, ग्रिल्स में स्टार्स डिज़ाइन कहाँ, इसको मैं दे देता हूँ क्रॉस डिज़ाइन दे देता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, कलर दूसरा रेड एंड वाइट, इस बॉक्स में आपको यहाँ से इसकी इनविजिबिलिटी बढ़ा लेनी है, आपको टेक्सचर का साइज़ बढ़ा लेना है ताकि ये शो हो सके, अदरवाइज शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्लिक करते रहें,
कितना आपका टेक्सचर शो नहीं हो, देखिए हमारे सामने है टेक्सचर, मैं और बड़ा कर देता हूँ, देखिए कैसा लग रहा है। अब मैं इसमें ही फिलअप कर दूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है ही। तो मैं यहाँ पे भी क्लिक, यहाँ पर क्लिक क्लिक एक क्लिक, इस पर भी सेम टेक्सचर दूँगा मैं, कि मैं दिखा रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से अपना डिज़ाइन बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। एंटर, ठीक है। इस तरह से मैंने सारे को एक मिला दिया है, कॉम्बिनेशन कर दिया, बाकी वो अलग अलग थे, आप अलग भी डोनेट कर सकते हैं, मैंने आपको एक बे बताया है, ठीक है। बाकी अगर मैं खाली टाइम में बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं आपके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, ताकि जिनके पास टाइम नहीं है तो आप मेरी वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत जल्द आ रहा है, तो तब तक के लिए गुड बाय।